कोरोना कमबख्त बीमारी है या लाचारी है, समझ ही नहीं आ रहा है। दिल बोल रहा है होली मनाए, मन बोल रहा है मत मनाए, कोरोना आ जाएगा। हम मीडिया वालों के साथ तो मजबूरी और भी ज्यादा है। हम कहते हैं मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, तो लोग गाली देते हैं कि हिम्मत है तो पीएम ने मास्क नहीं पहना वो दिखाइए, सीएम ने मास्क नहीं पहना है वो दिखाइए। अब हुजूर, पीएम सीएम मास्क नहीं पहन रहे तो इसमें हम मीडिया वालों की क्या गलती है? हम अगर कहते हैं कि एक काम कीजिए, मास्क मत लगाइए, जमकर होली मनाइए, सरहुल मनाइए, ईस्टर मनाइए, रामनवमी मनाइए, शबे बारात मनाइए, तो प्रशासन उठाकर हमें जेल में डाल देगा, कहेगा कोरोना काल में ये मीडिया वाले समाज को भड़का रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें? जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है, लोगों में लापरवाही की वजह से ये महामारी लगातार बढ़ रही है, सावधानी बेहद जरूरी है। अगर तुम्हें खत्म कराना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, क्या? पूरे भारत से एकदम विदा हो जाएंगे कोरोना वाले। किस तरह से होंगे तो बता दो। भारत में एक साथ चुनाव कराया जाए। अच्छा, देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना की हिम्मत नहीं है कि वो भूल कर भी कदम रख दे। ये बात सही है। यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में कोरोना बाबू घूम रहा है लेकिन आंदोलन में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी भी कुछ सीमा है, ऐसी जगह पर नहीं जाते। किसकी सीमा है? मध्य प्रदेश में अब जैसे संडे के दिन लॉकडाउन लगा है, तो इस दिन कोरोना आ सकते हैं क्योंकि सभी पता है कि सरकारी कामकाज बंद रहते हैं, बाकी छह दिन नहीं आ सकते। रात में आ सकते हैं, दिन में परमिशन नहीं दी क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं, तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा, इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चला जाएगा ना? बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा, चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए, बिहार में चुनाव हुए वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया इसकी जे नब्ज है जो हमने पकड़ ली, आंदोलनों से वोट डरता है कोरोना। अच्छा, यूं तो ये बस सोशल मीडिया का एक वायरल वीडियो है, इसे देखकर हम बस एक बार हंसेंगे, बहुत ज्यादा पसंद आया तो फॉरवर्ड कर देंगे और उससे भी ज्यादा खुश हुए तो किसी ग्रुप में डाल देंगे और भूल जाएंगे। लेकिन जब आराम से बैठेंगे तो हम ये सोचेंगे कि क्या चुनाव वाले राज्यों में कोरोना नहीं है? उन्हीं राज्यों में कोरोना के आंकड़े क्यों भाग रहे हैं जहां चुनाव नहीं है? चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग दिखी क्या? क्या प्रधानमंत्री मास्क लगाकर चुनावी सभा करते नजर आए? क्या मुख्यमंत्री मास्क लगाकर चुनावी सभा करते दिखे? तो फिर ये कोरोना क्या आईडी चेक करके ही होगा? इन सभी सवालों को लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास पहुंचे और जो जवाब मिला बेहद राजनीतिक था, जवाब सुन लीजिए। आपका ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का राजनीतिक जवाब देना स्वास्थ्य मंत्री के लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा होता है जो पक्ष पार्टी का विभाग नहीं होता है, वो विभाग ऐसा होता है जो ना विपक्ष है ना पक्ष है, ये मानवता का विभाग है। इसलिए मैं जो कहूँगा वो मानवीय दृष्टिकोण पे कहूँगा, ये राजनीतिक सवाल है। देखिए, ये ठीक है कि राजनीति करने वाले लोग चुनाव के मद्देनजर सब कुछ भूल भाल के करते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं समाज को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं यदि हेल्थ मिनिस्टर हूँ तो मैं ये जरूर कहूँगा कि क्या राजनीति करने वाले को कोरोना नहीं होगा? क्या किसी और लोगों को नहीं होगा? क्या कोरोना धर्म जात और संप्रदाय पर आधारित बीमारियां हैं? इसलिए ये बीमारी ऐसी है जो ना जात देखती, ना धर्म देखती, ना संप्रदाय देखती है। तो इसलिए हम लोगों को निश्चित तौर पर इस वैश्विक संकट से निजात पाने के लिए हमको सावधानी बरतनी होगी।
वजह खैर जो भी हो, पर कोरोना ने बाजार का बैंड तो बजा ही दिया। जेब खाली है और आगे होली है। भावनाएं छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा लीजिए, पर समझ ये नहीं आ रहा कि होली खेले या न खेले। दिल कहता है कि हुजूर रंग डालो दुनिया को, और मन कहता है बेटा घर में रहना वरना कोरोना हो जाएगा। अब हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो कोरोना से बचना है तो आपको साफ तौर पर सावधानी बरतनी होगी, किसी के बात में ना आए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और इस महामारी से सबको मिलकर लड़ना है।